ये शाखें अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे, शाखें अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन बुरे सही तो क्या हुआ, अच्छे भी आएंगे। सभी साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं काफ़ी टाइम बाद आप सभी के सामने आई हूँ। मैं भी घर में हूँ और घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। पीएम साहब ने देश को लॉकडाउन करने का जो आदेश दिया है वो किसी आधार को सोचकर ही दिया होगा, कुछ भले को सोचकर ही दिया होगा। साथियों, आप उस आदेश का पालन करते हुए आप सभी को अपने घरों में रहना है, कि समूह के रूप में घरों से ना निकलें, क्योंकि ये बहुत ही घातक हो सकता है। ये जो बीमारी है, आप लोग इसे हल्के में ना लें, ये बहुत बुरी बीमारी है। आपको भी पता है, ये छूने से फैलती है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया ग्रस्त है, पूरी दुनिया के लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं और उसका अभी तक डॉक्टर कोई इलाज नहीं निकाल पाए हैं। जितने भी आनंद विहार में लोग खड़े हुए हैं, जितने भी अपने घर जाना चाहते हैं, तो प्लीज सेफ्टी से अपने अपने घर जाइए। इतनी तादाद में ना खड़ा हो, क्योंकि इतने सारे लोग में कोई भी एक अगर पीड़ित निकल गया कोरोना वायरस से, तो हम सबको भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है। आप 21 दिन के लिए घरों में रहें, सेफ जोन में रहें, लॉकडाउन करें, बाहर नहीं निकलना है। अगर हमें बाहर निकलना ही पड़े किसी जरूरी काम से, तो हम मास्क लगा कर निकलें, लोगों से दूरी बना कर रखें। जहाँ भी आप हैं वहीं पर रुक जाएं, और जहाँ सरकार आपको रोकने के प्रबंध कर रही है वहीं पर आप रुकें। अगर जिंदगी रही तो हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर जिंदगी ही नहीं रही तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। 2 या 3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि जो मजदूर दिहाड़ी भाई हैं हमारे, वो क्या है कि काम की वजह से अपने घरों के लिए पलायन कर रहे हैं। कल जब मैं मेरठ से दिल्ली आ रही थी, तो लॉकडाउन की वजह से मैं मेरठ में फंसी हुई थी, और कल रात ही मैं दिल्ली पहुंची। मैंने देखा था कि रात में जो लोग हैं वो समूह के रूप में इकट्ठे होकर सड़कों पर चल रहे हैं, तो देखकर मैंने उनमें से कुछ लोगों को बिना मास्क के भी देखा, और एक दूसरे से सट कर चल रहे थे, और एक दूसरे से मतलब सट कर खड़े हुए थे। इतनी तादाद में ना खड़ा हो, क्योंकि इसके वजह से इतने सारे लोग में कोई भी एक अगर पीड़ित निकल गया कोरोना वायरस से, तो हम सबको भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है। आप लोग जहाँ भी कहीं हैं वहीं रुकें, भीड़ का हिस्सा ना बने, अपने आसपास भीड़ ना इकट्ठी होने दें, और कम से कम 6-6 फुट की दूरी बना कर रखें। घर में बैठना ये एक मुसीबत की बात नहीं है, ये हमारे ही सुरक्षा के लिए है, आप ही की सुरक्षा के लिए है। तो बाहर जाते हैं तो बाहर अगर किसी कोरोना बीमारी से संक्रमित व्यक्ति में खांसा है, छींकता है, तो उसके जो वायरस होते हैं वो हवा में बहुत ज़्यादा देर तक बाहर रहते हैं, या हमने किसी संक्रमित चीज़ को छू लिया है, किसी जगह को छू लिया तो हाथों में आ जाता है कोरोना वायरस। मैं उन सभी साथियों से, उन सभी भाई बहनों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि साथियों, आप कहीं भी ना जाएं, आप जहाँ पर आप रोजमर्रा की जिंदगी जैसे जीते थे वैसे ही जिएं, और अपने घरों में ही रहें। जब अमेरिका, चीन और इटली इतने सारे सुविधा संपन्न देश हैं, इतने हॉस्पिटल अच्छे हैं, वहाँ इतना भयंकर रूप ले चुकी है, तो सोचिए अगर ये हमारे देश में फैल गया तो इसे रोकना कितना मुश्किल होगा। कभी मैंने इसका नाम नहीं सुना था, पहली बार मैं इसका नाम सुन रही हूँ। कोरोना वायरस एक छोटा मोटा वायरस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है, जो हमारे पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में इसका असर हो रहा है। सुरक्षित ही नहीं है, ना मास्क लगाया हुआ है, और शायद मुझे तो लगता है सैनिटाइजर भी आप लोगों के पास में नहीं होगा। हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रखें, सेफ जोन में रखें, और अगर किसी में भी कोरोना वायरस जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत पुलिस को कॉल करें, पुलिस को बताएं। संक्रमित हुए और जिस भी रास्ते से, जिस भी गांव से आप गुजरोगे, किसी के संपर्क में आप आ गए, तो आप उस इंसान को भी होगा, वो पूरे गांव में फैलता चला जाएगा, आप अपने परिवार को भी उस संक्रमण से संक्रमित कर देंगे। आप सब भी घर में रहिए, घर से बाहर ना जाइए, क्योंकि हमारे पूरे देश में ये कोरोना वायरस एक खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से हमें इस वायरस से लड़ना होगा, और ये संक्रमण होने से बचाएं। आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित रखें। हमारी देश की जो सीमा पे जो जवान है, वो हमारी देश की सुरक्षा के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए दिन रात सीमा पे तैनात है। आज हमारी बारी है कि हम अपने देश को इस कोरोना वायरस जैसी महाबीमारी से
किस तरह से अपने देश की और अपने परिवार की, अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि जितने संख्या में आप घबराहट में पैनिक होकर के आप घरों से निकलोगे, एकत्र तो होगे, तो आप ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ेगी। और इसी अगर यही डर अगर आप लोगों के अंदर है कि भाई हमारा यहाँ कुछ नहीं है, हमारे कमाने का खाने का कुछ प्रबंध नहीं है, ऐसा नहीं है साथियों, गवर्नमेंट पूरी व्यवस्था कर रही है आप लोगों के लिए, रहने के लिए, ठहरने के लिए, खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रही है। आप केवल और केवल अपना संयम रखें और अपना जो ये महामारी है इसको रोकने में अपना सहयोग दें, अपना योगदान दें। कितने लोगों की इससे जान जा रही है, बहुत दुख हो रहा है हमें देखकर। टीवी में मैं रोज़ न्यूज़ देख रही हूँ और ये देख रही हूँ कि आज इतने लोगों की मौत हो गई, आज इतने लोग पीड़ित पाए गए हैं, इतने लोग हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल में भी जगह नहीं है, लोगों को ज़मीन पर सुलाया जा रहा है, ज़मीन पर रखा जा रहा है। जो वायरस से पीड़ित निकल रहा है उसको घर से ज़बरदस्ती खींच के लेके आ जा रहा है, वो भी हमारी सेफ्टी के लिए, कि अगर उसको है तो हम में से किसी को ना हो। अगर एक को ये वायरस हो गया तो वो पूरे देश में फैल रहा है, एक की वजह से ये पूरा देश हमारा, पूरा भारत हमारा खतरे में है। प्लीज़ आप अपने घर से ना निकलें, अगर कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो एक व्यक्ति अपने घर से निकले और ज़रूरत का सामान है वो लाए और आने के टाइम हाथ धोएं, तब अपने घर में अंदर आएं और जो भी सामान लेकर आएं उसको भी धोएं। सब्ज़ी हो तो पानी में नमक डालें, उससे सब्जियां धोएं, और कोई थैली है, बिस्किट है या बच्चों की कोई चीज़ है उसको पहले वॉश करें, उसके बाद बच्चों के हाथ में दें, क्योंकि ज़्यादातर बूढ़े और बच्चों को इसका असर ज़्यादा हो रहा है। अगर इससे किसी की भी मौत हो गई तो आप सुन लो, अगर इससे किसी की भी मौत हो गई उसका शरीर भी उसको नहीं दिया जाएगा। आप प्लीज़ कम से कम ये तो देखो, अगर उसको किसी एक व्यक्ति को कोरोना वायरस आ गया और उसको वो ग्रस्त हो गया, अगर वो उसमें मर गया तो उसका हम चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। तो प्लीज़ इस तरीके की बीमारी से हमें लड़ना है, हमें एकजुट होना है, लेकिन इस तरीके से नहीं, हमें एकता दिखानी है कि हम अपने घर में रहें। और ऐसी किसी चीज़ों में हम हाथ अगर लगाएं भी तो हाथ धो लें, बाहर ना जाएं, कानून का आप पालन करें। और जितने भी मजदूर हैं, जितने भी मजदूर हैं आज जो आनंद विहार में खड़े, मैं उनकी मजबूरी भी समझ रही हूँ, क्योंकि वो अपना घर देश छोड़ के दिल्ली में आके यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी भी मुझे मजबूरी पता है। लेकिन आप भी सचिए, अगर आप में से किसी को भी, एक को भी अगर कोरोना वायरस आ गया तो वो आपके घर, आपके देश, आपके पड़ोसी में भी जा सकता है, किसी को भी खतरा हो सकता है। तो प्लीज़ इसका पालन रखें, आप सभी अपने घर में रहें, मास्क लगाएं, अपने चेहरे पर सैनिटाइजर लें, अपने अपने पास में रखें, 20 मिनट में सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। अगर आप फोर व्हीलरों से निकलेंगे कहीं भी, तो वो जो फोर व्हीलर है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पता नहीं आपसे पहले उसे किसी संक्रमित रोगी ने उसको छू लिया हो, जिसको ये कोरोना वायरस हो, आपको भी लगने का डर है। तो इन चीज़ों से बचें, इन्हें अवॉइड करें, सिर्फ तभी घर से निकलें अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो ही घर से निकलें। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो गांव सुरक्षित रहेगा, गांव सुरक्षित रहेगा तो पूरा भारत सुरक्षित रहेगा। ये एक जिम्मेदारी डॉक्टर की ही नहीं है, ये साइंटिस्ट की नहीं है, पीएम की ही नहीं है, एक सीएम की ही नहीं है, एक नेता की नहीं है, हम नागरिकों की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है इस बीमारी को खत्म करने में अपना सहयोग देकर। और सिर्फ हम ये सहयोग दे सकते हैं अपने घरों में रहकर, सुरक्षित हम रहेंगे तो हमारा परिवार भी रहेगा, हमारा भारत देश भी रहेगा। तो इस मुहिम में अपना सहयोग दें, उसको बीमारी को बढ़ाने का काम ना करें, भीड़ के रूप में घरों से ना निकलें। आप सोच रहे हैं कि आप भूखे मर जाएंगे तो आपका पड़ोसी आपको भूखा नहीं मरने देगा, कॉलोनी के जो लोग हैं जहाँ आप रहते हैं वो आपको भूखा नहीं मरने देंगे। कितने नंबर दिए गए हैं हेल्प के लिए, आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। प्लीज़ ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि हमारे भारत देश को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े, महामारी का रूप ना ले ले। इसलिए अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हमारा भारत देश सुरक्षित रहेगा। तो आपसे अपील करती हूँ कि प्लीज़ इस मुहिम में अपना सहयोग दें। और सहयोग देखिए अपने अपने तरीके से लिया जाता है, सबसे अच्छा है कि लॉकडाउन में सिर्फ अपने घर में रहें तो ही हम सुरक्षित रहेंगे। और हम इस लड़ाई, जो कोरोना वायरस से जो हम लोगों की लड़ाई है, उसमें हम जीत पाएंगे। प्लीज़ बी सेफ, कीप डिस्टेंस। यू टीवी बहुजनों का चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, यू टीवी।